हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विद्याफर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम बातचीत करेंगे बैंकिंग के बारे में, बैंक की हिस्ट्री के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है। इसके अलावा हम लोग बातचीत करेंगे कि इंडिया में सबसे पहली बैंक कब स्टार्ट हुई। हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बैंक है जो आज तक एग्जिस्टेंस में है। हम बात करेंगे कि लार्जेस्ट बैंक कौन सी है। हम बातचीत करेंगे कि फर्स्ट वो बैंक कौन सी जो इंडियंस ने स्टार्ट की थी। हम बातचीत करेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। हम लोग बातचीत करेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से कंट्रोल करती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के बारे में। इंडिया में बैंकिंग की यदि हम बात करें तो बैंकिंग की शुरुआत कब हुई, इस बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि बैंक क्या होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया में सबसे पहला बैंक कब स्टार्ट हुआ। तो जो सबसे पहला बैंक स्टार्ट हुआ वो 1770 में हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1829 से लेकर के 32 में तक जो है वो लिक्विडेशन हो गया उसका, या कहें कि उसकी समाप्ति हो गई, ठीक। तो 1770 में पहला बैंक स्टार्ट हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1829 और 1832 तक जो है वो लिक्विडेशन हो गया उसका, वो ख़त्म हो गया समझ लीजिए। फिर 1786 में बैंक स्टार्ट हुआ जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में, जो कि 1791 में ही फेल हो गया। मतलब ये तो और भी कम साल ही चल पाया, राइट। तो काफ़ी कम साल चला है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं कि ऐसा बैंक जो आज तक भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। उसका फॉर्म चेंज होता गया, उसका जो है मर्जिंग भी हुई होगी, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन जो आज तक भी एग्जिस्ट करता है और जो आज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक यानी कि आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बातचीत कर रहा हूँ। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम हिस्ट्री देखें तो दरअसल हमें बिल्कुल एक बहुत क्लियर हिस्ट्री देखने को मिलेगी बैंकिंग की, इंडिया की। देखिए, इसमें तीन बैंकें थी। फर्स्ट बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। 1806 में कलकत्ता बैंक ऑफ कलकत्ता नाम था और 1809 में उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर दूसरी बैंक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, राइट, जो कि मुंबई का पहला नाम बॉम्बे था। तो बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में स्टार्ट हुई थी। फिर जो थर्ड बैंक है बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1843 में स्टार्ट हुई थी। तो ये तीनों बैंक हैं, यानी हम कह लें कि हमारे देश की जो तीनों जो बड़े कहेंगे कॉमर्शियल सिटी हैं, वो कॉमर्शियल सिटी में तीनों जो है बैंक स्टार्ट हुई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, राइट। और ये तीनों बैंक स्टार्ट हुई, ये तीनों बैंक स्टार्ट होने के बाद में 1921 में तीनों बैंकें मर्ज हो गई, और जो तीनों बैंकें मर्ज हुई उसका नाम रहा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में था, इसका जो है इसका नाम चेंज हुआ या मर्ज, ये तीनों जब तीनों मर्ज हुई तो इसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अपने वजूद में आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया, राइट, जो कि आज तक भी एग्जिस्ट कर रहा है और सबसे लार्जेस्ट बैंक है। तो ये तो थी बैंक की हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक से हम समझते क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, तो इस बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों बैंक की, बैंक क्या है। बैंक को यदि आप डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से आप बैंक को डिफाइन करेंगे। दरअसल बैंक, ऑब्वियस सी बात है, बैंक इट मीन्स वो जो फाइनेंस अरेंज करवाए, राइट। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमें फाइनेंस अरेंज करवाए, राइट। अब फाइनेंस अरेंज कराने वाले तो बाकी इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जैसे कि आप बातचीत कर लेंगे जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए के थ्रू हमें फाइनेंस अरेंज करवा देते हैं, या हम बात करेंगे जो इंश्योरेंस कंपनियाँ वगैरह है वो भी फाइनेंस अरेंज करवाती है। तो फिर उन सब का नाम बैंक क्यों नहीं है, वो बाकी सबसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्यों है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दरअसल देखिए बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बैंक में और बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनमें एक बेसिक डिफरेंस है।
बैंक उसको बोला जाएगा जो दो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो वो लोन प्रोवाइड करना है या फिर सिर्फ डिपॉजिट्स वाले काम करते हैं। दोनों में से कोई एक मेन काम की बात हो रही है, मैं बाकी फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन काम में सिर्फ वो कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन बैंक जो है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। अब इसको आपको याद रखने के लिए या इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए बैंक को यदि हम हिंदी में देखें तो बैंक का मतलब हुआ बैंक यानी किनारा, और किनारा कभी भी एक नहीं होता है, राइट, किनारे हमेशा दो होते हैं, राइट। तो इसी टाइप से बैंक इट मीन्स दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ग्रांट द लोन, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं, उन मतलब दोनों काम करें उनको हम बैंक बोलेंगे, राइट। अब आगे बात करते हैं कि बैंक जो है बैंक को हम किन दो एरिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए यदि हम पावर के हिसाब से देखें, अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक के अंडर में सारे बैंकें आएंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ही आएंगे। फिलहाल मैं शुरुआत में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये क्लास ट्वेल्थ में जो इकोनॉमिक्स है मैक्रोइकोनॉमिक्स उसको इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं बैंक को दो एरिया में क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। कि आप बैंक को दो एरिया में क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं कि एक तो हो गया जो बैंकों का बैंक है, एक तो वो हो गया जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, एक वो हो गया जो बैंकों के लिए फंड अवेलेबल करवाता है या बैंकों के लिए बैंक है, गवर्नमेंट के लिए बैंक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि वो सेंट्रल अथॉरिटी है बैंकिंग की, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल बैंक, राइट। और दूसरा हो गया आपके कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक यानी कि वो बैंक जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल बैंक। जिससे हम कोई जनरल बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन कर रहा है, आम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, वो लोग हैं, वो है कॉमर्शियल बैंक। और दूसरा हो गया आपका सेंट्रल बैंक। अब यदि आप कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो एरिए में, और वो फर्दर क्लासीफिकेशन आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक इट मीन्स वो बैंक हुए जो कि जिनकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास में है। जैसे कि यदि आप बात कर लें कि आज के यदि हम बात करें ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, या यस बैंक है, बंधन बैंक है, महिंद्रा वगैरह की जो बैंक है, तो ये सारी बैंकें क्या होगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक होगी। कॉमर्शियल बैंक है प्राइवेट सेक्टर। और यदि आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी कौन सी बैंक हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि इनके ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास में। तो ये तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है। खैर इसके आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक के लिए हम बात करें तो सेंट्रल बैंक इट मीन्स वो सेंट्रल अथॉरिटी, वो मॉनेटरी अथॉरिटी जो पूरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है पूरे एक देश में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में जो बैंक हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। या कहीं की हेल्प नहीं बोलना चाहिए, वर्ड मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, कि मार्केट में मनी कम है या ज़्यादा है तो उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है, वो सारे जो बड़े मेजर डिसीजन है वो जो बैंक लेती है उसका नाम सेंट्रल बैंक है। अब इस बैंक का नाम कुछ देशों में सेंट्रल बैंक के नाम से, कुछ देशों में रिजर्व बैंक के नाम से, कुछ देशों में फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से, राइट। जैसे कि हमारे देश की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है, राइट। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है, तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन की। तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन के लिए हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन को आप दो एरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो दो एरिए हैं, एक तो हो गया आपका प्राइमरी फंक्शन और दूसरा हो गया सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन हो गया एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, एंड सेकंड हो गया ग्रांटिंग ऑफ लोन। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट इट मीन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आप बात करेंगे तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा हो सकता है आपका करंट अकाउंट, और तीसरा हो सकता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। या आप बोल दें कि इन दोनों को बोल दें आप डिमांड डिपॉजिट, और इसको आप बोल दें टाइम डिपॉजिट।
कि एक टाइम बाद निकाल सकते हैं उस पैसे को, टाइम डिपॉजिट, इसको बोलेंगे हम डिमांड डिपॉजिट। इसी को ही आप चेकेबल डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर चेक इशू होता है और एफडी पर कोई चेक इशू नहीं होता है। सेकंड है ग्रांटिंग ऑफ लोन। अब ग्रांटिंग ऑफ लोन में आप लोन को शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में क्लासीफाई कर दें। आप लोन को जो है आप चाहें तो जैसे कि अलग अलग जो कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, इस तरीके से आप एक वैरायटी के तौर पर आप समझा सकते हैं। वैसे अल्टीमेटली सिर्फ दो ही मेन फंक्शन है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। ठीक, नेक्स्ट यदि हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो इसको आप दो तीन एरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट, यानी कि जो बैंक क्रेडिट लिमिट देती है कि भाई आपके अकाउंट में 20,000 जमा है तो आप इतने तक का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी मिलती है वो भी एक टाइप का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ही है। इसके अलावा एजेंसी फंक्शन, इट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे कॉलेज वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसकी फीस वगैरह हम कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उनके लिए एज ए कलेक्टर के तौर पर, मतलब मनी कलेक्ट करने वाले के तौर पर काम कर रहा है, तो ये एजेंसी फंक्शन हो गया। लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, ये सारे फंक्शन जो है वो एजेंसी, लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करना जो है वो एजेंसी फंक्शन है। इसके अलावा जनरल ड्यूटी फंक्शन, यानी कि जो भी अपने प्रमोशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को हेल्प करने के लिए जितने भी बैंकिंग हमें फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती है, वो सारे फंक्शन जो है जनरल ड्यूटी फंक्शन हमें आएंगे। तो ये बैंक जितनी भी टाइप के, भाई आपको एटीएम कार्ड देना है, आपको जो है किसी भी टाइप की फैसिलिटी देना है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना है, आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तो एक्सेस जितनी भी चीज़ें हैं इन दोनों के अलावा, वो सब के सब सेकेंडरी फंक्शन हैं। ठीक, तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन के बारे में इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, क्योंकि यही हमारा सबसे मेजर टॉपिक है, राइट है। और वैसे भी देखा जाए तो यदि क्लास 12th वालों की मैं बात करूँ तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन वगैरह अब आपके सिलेबस में या कहेंगे इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं।